मुझे कम وتين وزيتون وطور سنين وحاذ البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين. वहां से वापस आए तो बच्चों ने बोला जी सर जी यहाँ क्या बोलते हैं इसको इको पार्क में हमारे में कुछ लाइफ नहीं है. अब हमने अपनी लाइफ को बच्चों के तर्ज पे गुजारना है. टीचर्स ऑफ दिस रूम आई वेलकम यू ऑल in this function that you became the part and parcel of this program. From Arif sahab aur district se aaye hue Baki Zuma aur mere hampesha sathiyon, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aap tak jo bhi aaj tak kaam hue jisme 7th pay commission ka tha aur grade 2nd aur grade 3rd teachers ki jab unki regularization ka masla tha jab aapne wo dharna diya wo Qayyum sahab wo bistar pe wahan शेर कश्मीर पार्क में सोए हुए थे वो जरा जरा हमें याद. इतना ही नहीं मैंने किसी अफसर को रोक दिया हो नो प्यार से इस्तेदार से रिक्वेस्ट से अपने मत सारे मामला हल करवाए और मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गवाह है इस मामले में. सर कभी आपको मेरे जूर की कभी कोई शिकायत किसी टीचर की तरफ से या किसी अफसर की तरफ से आई है? मैं 22 साल से इस फॉरम में काम कर रहा हूँ एज ए फाइनेंशियल सेक्रेटरी. तो परसों में आया था यहाँ इस्तीफा देने के लिए. जावेद साहब को पता है अल्लाह की कसम वो इनको पता है. जावेद साहब ने जहाँ भी हमें बुलाया हम गए. 3 आदमी या 4 हजार थे जितने भी वाइस प्रेसिडेंट है ये नहीं आते. आज भी मैं इनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि बाड़ी ऐसे नहीं चलती है. क्यों अगर हम 25 आदमी हैं कम से कम 10 होंगे. ऑफिस में हमें होते हैं 15 आदमी. जब 2 आदमी घुसे तो 15 हमें मार डालेंगे वहां. बात नहीं आप कर सकते. जब हमारे पास 10 आदमी होंगे हम पार्क में हमें लड़ाई नहीं करनी. कोई मसाइल होते हैं इसलिए मैं मतलब यहाँ तो उल्टा हो गया. 6 मीटिंग हम बुलाए परसों फाइनल मीटिंग थी तो आदम को मत कुछ प्रॉब्लम होगी. तो जब मेरा नाम यहाँ से डिग्री हुआ मैंने हर मतलब PCO से बात की. 1-2 स्कूल है जिनका मेरे पास नंबर नहीं था. इंशाल्लाह वो मुझसे बेहतर में रखेंगे. जो उनके मसाइल होंगे अच्छे मसाइल तो मैं इंशाल्लाह बखूबी कोशिश करके फर्स्ट प्रायोरिटी पे निभाने की कोशिश करूँगा. जो आम तर जून के मसाइल होते हैं सर्विस बुक होती है इंक्रीमेंट होती है टाइम बाउंड होती है इंशाल्लाह वो अपने अपने टाइम पे इंशाल्लाह हम बखूबी कोशिश करके हल करने की कोशिश करेंगे. और सबसे पहले हमारी यही तरजीह है कि टीचर साहिबान जो अपनी ड्यूटी भरपूर जब तक न करेंगे जो उनके जेन्युइन होंगे तो ड्यूटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा. तो इंशाल्लाह मैं अच्छी तरह से उनके वो फ्राइज अंजाम दूंगा. टीचरों के लिए इंशाल्लाह यही मैसेज रहेगी कि वो खुशी से अपनी ड्यूटी करें और जो उनके मसाइल है वो मुझ तक पहुँचाएँ और मैं वो मसाइल उनके इंशाल्लाह आगे जाके रेडियो साहब से या CO साहब से या जो ऊपर भी होंगे डायरेक्टर साहब तक भी हम लेकर इंशाल्लाह तमाम बॉडी डिस्ट्रिक्ट बॉडी जोनल बॉडी लेकर वो हल कराएंगे. आज का प्रोग्राम हमारा इस तरह था. हमने बॉडी को रीऑर्गेनाइजेशन किया 5 साल के बाद. एक जमहूरी हक होता है कि बाकी लोग भी सामने आ जाएं सबको मौका मिले क्योंकि इन्हीं लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चलानी है.
तो इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी आई थी। और जम्मू कश्मीर टीचर फोरम अपने आप में एक तारीख है, हमें पहले यह बताया जाता है कि फर्स्ट परफॉर्मेंस दी जाए बच्चों को। उसके अलावा मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई तहसील प्रेसिडेंट की, तो मैं खुशकिस्मत हूँ ऐसी शख्सियत मोहम्मद आरिफ साहब जैसी शख्सियत के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, इनसे बहुत कुछ सीखूंगा मैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ काम करूंगा। टीचर्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह वो मुझे प्रेसिडेंट से भी छोड़ नहीं रहे थे, तो लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, उसकी वजह से मैंने छोड़ा और सजाद साहब को सामने लाया, टीचर्स ने लाया, एतमाद हासिल किया और फिर मुझे अब दो जून की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी में क्या, वहाँ तो आरिफ साहब हैं, मैं इनके अंडर काम करूँगा, इनसे सीखूँगा। बहुत बड़ी हस्ती हैं आरिफ साहब, बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। देखिए आज जोन बोनियार में जो असातिज़ा किराम है हमारे, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुतालिक एक सेमिनार का इनेकाद किया था। इसमें टीचर्स फॉरम जोन बोनियार जो हमारा है उसमें अहम रोल अदा किया गया है और यहाँ पर असातिज़ा किराम की बहुत बड़ी खासी तादाद ने शिरकत की, जिसमें हमने भी शिरकत की और इस बारे में हमने असातिज़ा को उजागर किया कि किस तरह से हम बच्चों की तालीम और तरबियत को आगे बढ़ाएं, किस तरह से बच्चों को हम जिनका नारा हमने दिया कि चाइल्ड इज़ अवर प्रायोरिटी, इस नारे को हम कैसे इंप्लीमेंट करें और ग्रास रूट लेवल पर। और जो हमारे असातिज़ा किराम है, चूँकि आप जानते हैं कि ये बॉर्डर जोन है, इसमें दूर दराज इलाकों में हमारे स्कूल हैं और असातिज़ा जो है वह इंतहाई तनदेही से और मेहनत से दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, असातिज़ा की कमी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे असातिज़ा जो है वो काम करते हैं और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। देखिए जो ये मसला है, जो हमारे चेयरमैन है मोहम्मद अमीन खान साहब, उसने ऑलरेडी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे आलोक कुमार जी है उनकी नोटिस में लाया है और हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो हमारा जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है इसको कम्प्लीट करने के बाद, उसने आश्वासन दिया है कि यह कम्प्लीट होने के बाद आरआरटीज के लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो मुश्तहर की जाएगी, जिसमें सभी आरआरटीज को जो ग्रेड सेकंड है या ग्रेड थर्ड है उनको कवर किया जाएगा।